नमस्कार, स्वागत है आपका एडवाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में चुनाव हुए। 6 बजे कल वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 243 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा की, तो वहां 90 सीटें हैं, बीजेपी को वहां 75 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बहुमत में नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी सीटों पर क्या हुआ, वहां कौन कौन से दिग्गज ढेर हुए और किन दिग्गजों ने अपना सितारा चमकाया। तो सबसे पहले बात हरियाणा के वीआईपी सीटों की कर लेते हैं। हरियाणा की पहली वीआईपी सीट है करनाल, जिसे सीएम सिटी भी कहा जाता है। इस सीट पर मनोहर लाल खट्टर जीतते नजर आ रहे हैं, जिनकी टक्कर वहीं पूर्व फौजी तेज बहादुर से थी, जिससे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग जीत लिया है। दूसरी वीआईपी सीट है सांपला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस सीट पर जीतते नजर आ रहे हैं। यानी हुड्डा भले लोकसभा में चुनाव हार गए हों, लेकिन इस बार उन्हें चुनाव जीत कर चंडीगढ़ पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी सीट है चरखी दादरी, बबीता फोगाट इस सीट पर हारती नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं कुश्ती के मैदान पर सबको चित करने वाली बबीता राजनीति के मैदान पर कहीं पिछड़ सकती हैं। अगली सीट है कैथल। कैथल में रणदीप सुरजेवाला पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रणदीप सुरजेवाला यहां पर नजदीकी टक्कर में हारते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार निर्णायक दिन क्या होगा। अब बात कर लेते हैं सोनीपत की। योगेश्वर दत्त चैंपियन रहे हैं, ऐसे में इस बार चैंपियन इस सीट से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं, अगर समालका की सीट की बात करें, जो बहुत हॉट सीट रही, उस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी से शशिकांत कौशिक है, तो कांग्रेस से धर्म सिंह छोकर है। इस सीट पर इस बार नजदीकी टक्कर है। ऐसे में कहना बेहद मुश्किल होगा कि सीट पर जीत कौन रहा है, लेकिन नजदीकी टक्कर में इस वक्त अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो धर्म सिंह छोकर को यहां पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं जगाधरी की, जहां पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर कंवर पाल सिंह इस सीट पर नजदीकी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, जिनके सामने बीएसपी से आदर्श पाल सिंह हैं। देखना होगा इस सीट पर जीत किसकी होगी, क्योंकि टक्कर बेहद नजदीकी है। उचाना की बात करें तो दुष्यंत चौटाला इस सीट पर हारते नजर आ रहे हैं, यानी कि टक्कर लगातार नजर आ रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। एक और नाम जो टिकटॉक गर्ल है सोनाली फोगाट, उनकी भी जीत नजर आ रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्कार।